खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से। गोड्डा में शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज। गोड्डा में जिले के ललमटिया इलाके में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत अष्टम वर्ग की छात्रा की लिखित शिकायत पर ललमटिया थाना में प्राचार्य संतोष कुमार तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। छात्रा ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर प्राचार्य ने उन्हें पहले विद्यालय बुलाया और फिर घर ले जाकर उसके साथ गंदी हरकत की। इस बीच ललमटिया के थाना प्रभारी ललित नारायण पांडे ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपित प्राचार्य की गिरफ्तारी के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छेड़खानी के आरोपी प्राचार्य के खिलाफ दिए जांच के आदेश। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य पर 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा द्वारा छेड़खानी के आरोप का मामला गर्मा गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ट्वीट कर झारखंड पुलिस और डीसी गोड्डा के जांच कर कार्रवाई करते हुए जानकारी देने की हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद पदाधिकारियों में गतिविधियां बढ़ गई है। बताया जाता है कि सोमवार को छात्रा को लेकर ललमटिया पुलिस गोड्डा आई। नाबालिग छात्रा का बयान दर्ज करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई हुई। सोमवार को पहले छात्रा ने ललमटिया थाना में आवेदन देकर केस उठाने की बात कही, लेकिन दोपहर में फिर से नया आवेदन देकर प्राचार्य ने खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि रविवार को ललमटिया थाने में प्राचार्य के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था। केस वापस लेने के आवेदन के बाद गरमाई। राजनीतिक जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह छात्रा ने ललमटिया थाना में आवेदन दिया था। आवेदन में ललमटिया थाना कांड संख्या 5820 के तहत कर्ज दर्ज केस को उठाने की बात कही थी। मारखान पंचायत में माननीय मुखिया के द्वारा श्रमिकों के बीच वस्त्र का वितरण। आज दिनांक 15/9/2020 को पंचायत सचिवालय मारखान के प्रांगण में श्रम विभाग गोड्डा के द्वारा श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पेंट शर्ट साड़ी का वितरण ग्राम पंचायत मारखान के माननीय मुखिया सह जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष श्री दिनेश प्रसाद यादव एवं श्रमिक मित्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रिंकी देवी श्रमिक मित्र नसीर अंसारी के द्वारा वितरण किया गया। इस तरह के श्रमिक के बीच कपड़ा का वितरण करने से मजदूरों में खुशी का माहौल बना हुआ है। माननीय मुखिया जी ने मजदूरों के बीच संबोधन करते हुए कहा कि श्रमिक विभाग गोड्डा एवं झारखंड श्रमिक विभाग रांची के द्वारा मजदूरों को हर समय मदद करते आ रहा है। जितना भी श्रमिक ने रजिस्ट्रेशन करवाया है सभी को कपड़ा वितरण किया गया। जितना भी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी है सभी का रजिस्ट्रेशन पंचायत सचिवालय मारखान में कराऊंगा। माननीय मुखिया जी ने विभाग के दोनों पदाधिकारी को धन्यवाद दिया। श्रमिक विभाग गोड्डा के द्वारा आए पदाधिकारी ने मुखिया जी के प्रति एवं श्रमिकों को धन्यवाद दिया। माननीय मुखिया जी एवं श्रमिक विभाग गोड्डा से आए पदाधिकारी के प्रति श्रमिकों ने आभार प्रकट किया एवं धन्यवाद दिया। जल ग्रहण क्षेत्र में पानी पहुंचने से किसानों में हर्ष। जिले में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां धान की फसल में जान आया है, वहीं जल ग्रहण क्षेत्रों में पानी आने से किसानों का उत्साह नजर आ रहा है। पिछले दो दिनों में लगभग 40 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे जिले भर नदियों तालाब में वर्षा का पानी उतर आया है, जिसके कारण अब वैसे इलाकों में पटवन हो रही है जहाँ पानी की कमी थी। जिले में हरना, लिलझी, सापिन, सुंदर आदि नदी में पानी का बहाव आया है। हालांकि यह बहाव उतना नहीं है। सोमवार को मौसम में बदलाव भी दिखा गया, जहां लोग उस उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे, लेकिन शाम होने के बाद मौसम बदलने लगा। वो कई इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी भी हुई, वहीं हल्का से मध्यम दर्ज की वर्षा किसानों की जरूरत पूरी हो रही है। नदियाँ पर बने चेकडैम भी पानी भर गया है, जिसके कारण इसे निकालने वाली डाड़ में पानी आ गया है जो किसानों के खेत तक पहुंच रहा है। इससे धान की फसल काफी फायदा हो रहा है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षा का दौर अभी जारी रहे, जिससे कि धान की फसल को फायदा मिल सके। इधर दो दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा के बाद अब चिंतापुर मार्ग में अब तक लगभग सामान्य वर्षा हो चुकी है। अवैध शराब में संलिप्त 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी। मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटहरी बाजितपुर व बुधासन गांव के दर्जन भर गांव में अवैध रूप से देसी शराब बनाने में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने मामला
दर्ज कराया है। उत्पाद निरीक्षक गोड्डा मनोज कुमार ने बताया कि इटहरी बाजितपुर एवं बुधासन गांव में बीती रात मेहरमा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस वालों के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाकर दर्जन भर घरों में छापेमारी की गई। इसमें लगभग 1500 लीटर जावा महुआ को नष्ट किया गया एवं 150 लीटर देसी शराब जब्त की गई थी। मेहरमा के इटहरी में प्रकाश चौधरी, सुनील चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, पिंकू चौधरी, बुधासन गांव से ताला मुर्मू एवं योगेश हेमरम का नाम शामिल है। कल गोड्डा में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग जांच अभियान चलाया गया। कल दिनांक 14/9/2020 को उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव के दिशा निर्देश पर गोड्डा शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के नेतृत्व में सरकंडा चौक पर मास्क चेकिंग अभियान एवं सोशल डिस्टेंसिंग जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहन चालक पैदल चल रहे लोगों के बिना मास्क लगाए आवागमन करने वालों को कार्रवाई भी की गई। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग जांच अभियान के दौरान कुछ 1900 का चालान कटा, जिसमें बिना मास्क कुल 1600 एवं सोशल डिस्टेंसिंग कुल 300 का चालान कटा गया। साथ ही लोगों को कड़ी हिदायत दिया गया कि अगली बार मास्क पहनकर घर से बाहर निकले। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने इस दौरान कहा कि सभी लोगों से अपील है कि मास्क का प्रयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। उन्होंने कहा है कि यह अभियान लगातार शहर में चलाया जा रहा है, इसलिए आप सभी बिना मास्क अपने घर से बाहर नहीं निकले, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। वाहन चलाते समय भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें, साथ ही ट्रैफिक के नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। गोड्डा के फुटकर विक्रेताओं को कोविड-19 संक्रमण जांच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी ने लगवाया शिविर। कल दिनांक 14/9/2020 को आम दुकानदारों, फुटपाथ दुकानदारों, ठेला घोमचा विक्रेता, मीट मछली विक्रेता की कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्थानीय प्राइवेट बस स्टैंड परिसर, मीट मंडी परिसर तथा कारगिल चौक के पास कोविड-19 के जांच के लिए जांच शिविर लगाया गया। जांच शिविर में काफी संख्या में लोगों ने अपनी जांच भी करवाई। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने इस उपलक्ष्य पर कहा कि जांच शिविर में जिन दुकानदारों ने जांच नहीं करवाई है वो इसे अवश्य करा लें। अनुमंडल पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि माइकिंग के द्वारा प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। खबर देवघर से। देवघर में 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार, ठगी का तरीका जान रह जाएंगे हैरान। देवघर पुलिस ने कैरो और चित्रा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 32 मोबाइल, 41 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 6 एटीएम, 1 लैपटॉप, 5 मोटरसाइकिल और 1 कैशबुक बरामद की है। देवघर के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस को लगातार यह गुप्त सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में कुछ लोग फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने की कोशिश में जुटे हैं। इसी सूचना के आधार पर डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में कैरो थाना क्षेत्र के कैरो ग्राम और जांत में, साथ ही चित्रा थाना क्षेत्र के सोनातर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्य प्राप्ति को लेकर गंभीर रहे अधिकारी। 16 सितंबर यानी कल को चलाया जाने वाला 7वां रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव को लेकर समरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने सिविल सर्जन सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। अभियान की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। यह अभियान पूरे जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जाएगा। इसके लिए 5000 लोगों की जांच के जाने के लक्ष्य है। समीक्षा के उपरांत उपायुक्त ने अभियान को लेकर सभी तैयारी को पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार को दिया है। खबर है साहेबगंज से। शिक्षकों ने मांगा बकाया मानदेय व सेवा विस्तार। झारखंड कल्याण आवासीय विद्यालय अंशकालीन शिक्षक संघ की ओर से सोमवार को बड़हरवा प्रखंड के इस्लामापुर में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को मांग पत्र सौंपा गया। 6 माह का बकाया मानदेय व सेवा कार्य विस्तार करने की मांग की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमिता कुमारी ने बताया कि आवासीय विद्यालय की घंटी आधारित मानदेय माह मार्च से अगस्त तक का भुगतान नहीं हुआ है। लॉकडाउन की वजह से सभी शिक्षकों की स्थिति दयनीय हो गई है। परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है।
केंद्र व राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को वेतन मानदेय एवं पेंशन दे रही है। सभी घंटे आधारित शिक्षक 5 साल से सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं। उन लोगों की सेवा 14 जुलाई को समाप्त हो गई है, इसलिए शिक्षकों के परिवार और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 6 माह का मानदेय और सेवा काल का विस्तार किया जाए। मंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग से जानकारी हासिल कर मानदेय दिलाने व सेवा काल विस्तार को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। खबर है पाकुड़ से, 48 दिन बाद काम पर लौटे हड़ताली मनरेगा कर्मी। लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मनरेगा कर्मी 48 दिन बाद सोमवार को काम पर लौट आए हैं। इसके पूर्व झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अजीत टुडू के नेतृत्व में कर्मियों के उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह को योगदान पत्र सौंपा। यहां से लौटने के बाद जिले के सभी प्रखंड में बीपीओ व मनरेगा कर्मियों के साथ प्रखंड कार्यालय में वीडियो का आवेदन सौंपकर योगदान किया। ज्ञात हो कि विगत 27 जुलाई 2020 से अपने स्थायीकरण वेतनमान सहित अन्य मांग को लेकर मनरेगा कर्मी अनिश्चितकाल हड़तालीन पर थे। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से 3 व 10 सितंबर को हुई वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बनी। एक माह में मांगों को पूर्ण करने के आश्वासन के साथ हड़ताल स्थगित करते हुए अपने काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया गया। संघ के जिला अध्यक्ष अजीत टुडू द्वारा बताया गया कि मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर सजग हैं। हेमंत सरकार पर विश्वास कर कार्य पर वापस आने का निर्णय लिया गया। एक माह तक हड़ताल को स्थगित करते हुए मांग पूर्ण नहीं होने की स्थिति में पुनः आंदोलन पर विचार करेंगे। खबर है पाकुड़ से, शीघ्र बनेगी चांदपुर पाकुड़ मुख्य सड़क। ग्रामीण विकास मंत्री सह पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलमगीर आलम सोमवार को परिषद में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं व आमजनों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री ने डीसी कुलदीप चौधरी को भी समस्याओं से अवगत कराते हुए शीघ्र ही निदान करने का निर्देश दिया। आलमगीर आलम ने कहा कि कोविड-19 के कारण कई विकास कार्य बाधित हो गया था। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। पिछली बार पाकुड़ आने पर लोगों ने बिजली की समस्या से अवगत कराया गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर बिजली आपूर्ति में सुधार कर निर्देश दिया गया था। 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है, इसमें और भी सुधार होगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पाकुड़ चांदपुर धुलियान मुख्य पथ की हालत काफी खराब हो गई थी। लोगों ने शिकायत भी की थी। इस पर पहल करते हुए सड़क टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि पाकुड़ प्रखंड के कुछ पंचायत तक जाने के लिए सड़क काफी जर्जर थी। उन सभी सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष अफजल हुसैन, मुख्तार हुसैन असलम सहित अन्य मौजूद थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।